नमो नमः मित्राणि। मैं डॉक्टर नीलमणि त्रिपाठी संस्कृत भाषा शिक्षण के साथ आज पुनः चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, संस्कृत भाषा शिक्षण के अंतर्गत मैंने पिछले वीडियो में आपसे चर्चा किया था, कुछ संकलित प्रश्नों से संबंधित उत्तरों की। आज पुनः जो है 5 प्रश्नों के साथ मैं उनके व्याख्यात्मक उत्तर के लिए यहाँ पर प्रस्तुत हुआ हूँ। अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत ये सभी पूछे गए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मित्रों, आप ध्यान रखिए, प्रत्येक वीडियो के सभी प्रश्नों को आप जरूर देखा करें, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए वो बहुत सहयोगी होंगे। देखिए, आज हम लोग पुनः जो है प्रश्नों की चर्चा करते हुए पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, मौखिक परीक्षाया उपयोग कह, मौखिक परीक्षा का क्या उपयोग होता है। मौखिक परीक्षा का मतलब जो वाचन करके, बोल करके जो है मुखामुखि प्रस्तुति जिसमें की जाती है, तो इसका जो है उपयोग कह, इसका उपयोग क्या होता है। पहला है हमारा विकल्प, मानसिक शक्तेः परीक्षणम्, मानसिक शक्ति का परीक्षण होता है। क्या मौखिक परीक्षा के द्वारा मानसिक शक्ति का परीक्षण होता है? नहीं। सामाजिक परिस्थिति अगमनम, सामाजिक परिस्थिति का भी परिचय होता है, ये भी नहीं है। भाव प्रदर्शन शक्ति मूल्यांकनम, ये आपका उत्तर सही है। मौखिक परीक्षा का उपयोग होता है जो हमारे अंतर्गत भाव हैं, उन भावों को प्रदर्शन करने की शक्ति के क्षमता का मूल्यांकन होता है। ये हम यह मापते हैं कि जो हमारे द्वारा भाव व्यक्त किया जा रहा है, यह हमारा भाव उचित है अथवा अनुचित है। तो कुल मिलाकर के मौखिक परीक्षा का जो उपयोग होता है वह होता है भाव प्रदर्शन शक्ति का मापन करना, भाव प्रदर्शन शक्ति का मूल्यांकन करना। एत किमपि नास्ति, इनमें कोई भी नहीं, ये भी आपका गलत है। तो मौखिक परीक्षा या उपयोग कह, मौखिक परीक्षा या उपयोग भाव प्रदर्शन शक्ति मूल्यांकनम अस्ते, भाव प्रदर्शन करने की शक्ति का मूल्यांकन इसके द्वारा किया जाता है। मित्रों, दूसरा प्रश्न है हमारा, शिक्षकेन कक्षासु परीक्षत प्रश्न भवेयो, शिक्षक के द्वारा कक्षा में, कक्षासु सप्तमी विभक्ति का रूप है, कक्षासु परीक्षत प्रश्न पूछा गया प्रश्न भवेत, होना चाहिए भवेत, भवेताम भवेयु होना चाहिए। तो शिक्षक के द्वारा कक्षा में जो पूछा जाने वाला प्रश्न होगा वह कैसा होना चाहिए? सरलम, सरल होना चाहिए। कठिनम, कठिन होना चाहिए। सार्थक, संक्षिप्त, अस्पष्ट, शुद्ध च, अथवा सार्थक होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, अस्पष्ट होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, अशुद्ध अशुद्ध होना चाहिए। तो इसमें आपका सबसे सर्वोत्तम विकल्प है, सरल भी होना चाहिए प्रश्न, सार्थक, जिस प्रश्न का कोई न कोई अर्थ निकले, सार्थक प्रश्न जो है शिक्षक के द्वारा कक्षा में पूछा जाना चाहिए। संक्षिप्त, बहुत विस्तृत प्रश्नों की जानकारी के लिए उन्हें निबंध आदि जो है देना चाहिए, निबंधात्मक प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए देना चाहिए, ना कि उनसे जो है प्रश्न पूछना चाहिए। तो कक्षा में शिक्षक के द्वारा संक्षिप्त, संक्षिप्त प्रश्न पूछा जाना चाहिए। अस्पष्ट, जरा परस्परम वार्तालाप विषय अस्पष्टम न भवत, तदा तो विद्यार्थी स्वयमेव तस्य प्रश्नस्य उत्तरम प्रदातुम न शक्नो। जब तक जो है अस्पष्ट अध्यापक के द्वारा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा तो विद्यार्थी समझ करके उसका समुचित उत्तर नहीं दे सकता, इसलिए अध्यापक के द्वारा कक्षा में जो प्रश्न पूछा जाना चाहिए वह अस्पष्ट होना चाहिए। शुद्धम च भवति, और शुद्ध भी होना चाहिए, शुद्धम भवे, शुद्ध होना चाहिए। इसलिए अस्य प्रश्नस्य समीचीनम उत्तरम अस्ते, सार्थक, संक्षिप्त, अस्पष्ट, शुद्धम च,
कक्षासु शिक्षकेन पृच्छत् प्रश्नः भवेयुः। तो कैसा होना चाहिए? सार्थकः, संक्षिप्तः, स्पष्टः, शुद्धं च। अगला प्रश्न है मित्रों हमारा, शैक्षिक मूल्यांकनाय विद्यालय शिक्षायां सर्वाधिक प्रचलिता विधा अस्ति। शैक्षिक मूल्यांकन के लिए विद्यालय की शिक्षा में सर्वाधिक प्रचलित विधा है। मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, निरीक्षण विधि। तो शैक्षिक मूल्यांकन के लिए विद्यालय की शिक्षा में सबसे प्रचलित विधि है उनकी लिखित परीक्षा लेना। लिखित परीक्षा के द्वारा उनका जो है पूरे ज्ञान का जो है मूल्यांकन किया जा सकता है। प्रायोगिक परीक्षा के द्वारा कुछ ही विषयों का उनसे अध्ययन कराया जा सकता है, कुछ ही मुख्य बिंदुओं का उनका मूल्यांकन किया जा सकता है। मौखिक परीक्षा के द्वारा उनके बोलने की कला का परीक्षण किया जा सकता है, परंतु अगर पूरा शैक्षिक मूल्यांकन करना है तो शैक्षिक मूल्यांकन के लिए विद्यालय की शिक्षा में सबसे सुटेबल जो हमारी पद्धति है, सबसे प्रचलित पद्धति जो है वह है विधा लिखित परीक्षा। अगले प्रश्न की श्रृंखला में हमारा प्रश्न है, नाटक शिक्षणस्य प्रमुख विधि अस्ति। नाटक शिक्षण की प्रमुख विधि है। मित्रों, नाटक का मतलब होता है रंगमंच पर अभिनय करना। रंगमंच पर जब किसी भी पूर्व घटना को वर्तमान से संबंध जोड़ते हुए उसको कलात्मक रूप में प्रस्तुत करते हैं, दिखाते हैं, उसका अनुवर्तन करते हैं, तो वही हमारी जो है नाटक कहलाता है। अब नाटक शिक्षण की प्रमुख विधि व्याख्या विधि। नाटक शिक्षण के अंतर्गत व्याख्या बहुत जरूरी नहीं है। कक्ष अभिनय विधि, कक्षा अभिनय भी जरूरी होता है, लेकिन सबसे सुटेबल आंसर है इसका आदर्श अभिनय विधि। आदर्श अभिनय विधि सबसे उपयुक्त, इसका उत्तर क्या है? आदर्श पूर्वक अभिनय करना चाहिए, जिस हमारे अभिनय का समाज पर पड़ने वाला असर अच्छा हो, नैतिकता पूर्ण ढंग से हम अभिनय करते हुए आदर्श रूप में जब समाज के सामने अपने नाटक शिक्षण को प्रस्तुत करते हैं, तो वही नाटक शिक्षण की प्रमुख विधि मानी जाती है। फिर है भाषा शिक्षण सूत्राणाम प्रयोगेण शिक्षण भवति। भाषा शिक्षण सूत्राणाम प्रयोगेण शिक्षण आरुचकरम भवत एदम वाक्यम अशुद्धम। अपठनीयम, पढ़ा नहीं जा सकता है, यमपि अशुद्धः। शक्तिशाली, यमपि अशुद्धः। केवलम अपि प्रभावशाली। भाषा शिक्षण सूत्राणाम प्रयोगेण शिक्षण प्रभावशाली भवत, शिक्षण प्रभावशाली होता है। भाषा शिक्षण के सूत्रों के प्रयोग से किसी भी बहुत बड़ी बात को छोटे रूपों में प्रस्तुत किया जा सकता है, या बड़े बड़े जो है सवालों को करने के लिए शिक्षण के प्रयोग के सूत्र के प्रयोग के द्वारा उस विषय को बहुत सरल बनाया जा सकता है। इसलिए मित्रों, इसका समीचीन उत्तर होगा भाषा शिक्षण सूत्र के प्रयोग से हमारा शिक्षण जो होता है वह प्रभावशाली होता है, बच्चों पर उसकी छाप अलौकिक पड़ती है, बच्चे उसको अच्छे ढंग से समझ लेते हैं, इसलिए उनके ऊपर प्रभाव हमारा अच्छा होता है। तो इसमें सबसे उपयुक्त उत्तर होगा प्रभावशाली। भाषा शिक्षण सूत्राणाम प्रयोगेण शिक्षणम प्रभावशाली भवत। मित्रों, आज इन्हीं 5 प्रश्नों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने मित्रों को भी प्रसारित करें, और जो भी कमेंट्स हैं उनको भी दें, और कोई अगर त्रुटियां हैं तो उसको भी आप हमको बताएं, जिससे, क्योंकि कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है, पूर्ण अगर है तो वह केवल ब्रह्म है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। इसलिए अगर कोई त्रुटियां हैं तो उनको आप बताएं। नमो नमः मित्राणि, धन्यवाद है।